दुबई की पहली फ्लाइट है ये, दुबई की पहली बार बैठेगी। दो साल बाद में फ्लाइट में बैठता है। चीकू कहाँ लेके जा रही हूँ? मैं एयरपोर्ट के बाद पानी के रास्तों से जाएंगे। हाँ, पानी के जहाज से जाएंगे आगे। और चीकू के पापा ना परेशान हो गए इसके बाल सेट करते करते। अगर बोर्डिंग फास्ट फट गया ना तो आपको फ्लाइट में ही बैठने देंगे। क्या हो गया? क्या हुआ पैर में? अभी नहीं बताएंगे हम कहाँ है। आप एक काम करो, आप बता दो। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, चीकू अपनी बहन को ना आराम से लेके जाएगा। चीकू नो नो, हम जा रहे हैं चंडीगढ़ भाई, हमारी फ्लाइट अभी की। पकड़ को जकड़, जकड़ को पकड़। पर बच्चों की बना दो, अधूरा अधूरा से लग रहा है यार। चीकू चीकू बच्चे, चीकू जाना नहीं है क्या? जाना नहीं है क्या? बाबू उठो, चलो जाना है। रेडी हो जाओ फटाफट, चलो चलो जल्दी उठो। वेरी गुड बच्चा। तो वेलकम बैक टू आज का लोग मजेदार, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मुंबई घूमी घूमी करने। चलो फटाफट रेडी हो जाओ, आपके कपड़े मैंने निकाल रखे हैं। और यहाँ पे गाइस मैंने तूबा के पूरे कपड़े निकाल रखे हैं, पिंक पिंक लड़की हो जाएगी पूरी पिंक पिंक। चलो आपको कपड़े निकालते हो जाओ। मैं इसमें तो गर्मी लगेगी। गर्मी नहीं लगेगी बेटा, फ्लाइट में एसी चलता है बहुत ज्यादा, तो वहाँ पे ठंड लगेगी। ठीक है, ये कपड़े हैं आपके, फटाफट शावर ले लो और 2 मिनट के अंदर रेडी हो जाओ। ठीक है ठीक है। मम्मा मेरे को कोना दे दो। कोना कहाँ रखोगे? इसमें साइड बाजू में। यही वाला कोना दे दो जो यूज करा था रात को। हाँ यही। ठीक है, तो गोलू चीकू हो चुका है रेडी। ठीक है, इसका कोना दे देती हूँ, ये अपने बैग में संभाल लेगा। बस कंघी कर देती हूँ, हो गया डन 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 डन। अब रह गए हम लोग, साइड पर टांगोगे? तो ये लो टांग लो। चलो आपका हो गया फटाफट। देखो अब पापा ने हेयरबैंड लगाने के लिए बोला है ना, हेयरबैंड का आपका दे दो। नया निकालती हूँ, मैंने पहले ही संभाल के रखा हुआ था। तो भाई चीकू बिल्कुल टाइम से उठ गया है, क्योंकि हमने इसे टाइम से सुला दिया था। 2 मिनट में बस मैंने जैसे बोला वैसे ही। ठीक है चले मम्मा, हमें तो रेडी होने दे, हम क्या नाइटी में जाएंगे क्या? तो वो रेडी कर दे तो चले मम्मा। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हीरो लग रहा है। अपना एड्रेस कौन सा लोगे? ये वाला, ये मैचिंग कर रहा है ना। अच्छा, इसीलिए यही वाला ग्रीन ज्यादा है। मैंने इसके बाल सेट किए थे, इसे पसंद नहीं आए। नहीं नहीं ठीक है, अभी बाल बड़ा आ रहे हैं ना तो सर्दी आ गई दोबारा, अपना स्टैंड लगा कर। नहीं नहीं, इसने मेरे को बोला कि आप अच्छे नहीं करते, पापा अच्छा करते हैं, इसलिए आपसे करवा रहे। चलो हो गए रेडी सब? हाँ निकले फिर, चलो चाय और एक बार नाश्ता कर लेते हैं। चीकू आप संभाल लो कि तू बहन को, क्योंकि मम्मा बहुत बड़े बड़े बैग है। देखो मम्मा फुल बैग, इसको फुल पैक करना पड़ेगा ना बेटा, पहली फ्लाइट है इसकी, दुबई की पहली फ्लाइट है ये, दुबई पहली बार बैठेगी। अले बाबा इसको तो किन्ना निन्ना आया है, किन्ना निन्ना आया, देखना जी देखना। ओले बाबा, ओले बाबा। चल बेटा चल चीकू, स्माइल कर रही है। चल चीकू आजा। गाइस तूबा के हमने कपड़े थोड़े चेंज कर दिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था इसे गर्मी ना लगे, इसलिए हमने अभी ये पहना दिया है। फ्लाइट में जो यहाँ से बस कर वो पहना देंगे, इसे लग रहा है। बाय 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 बाय। तो गाइस फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट, और यहाँ पे जो है हमारी पूरी टीम जो है वो बैठ चुकी है। और मैंने जूस ऑर्डर कर दिया है सभी के लिए, क्योंकि घर से जो है जल्दबाजी में थोड़ा बहुत ही खा पी के आए थे, तो जूस पी लेते हैं सारे। और यहाँ पे तूबा भी फुल एक्साइटेड है। तूबू हनी हनजी, तो यहाँ पे तूबा फुल एक्साइटेड है, क्योंकि इतनी एक्साइटेड है, मतलब कि एयरपोर्ट पे आई ना तो उसको थोड़ी चका चौन जो होते हैं वो दिख रही है ना, हर जगह लाइट दिख रही है, तो ऐसे ऐसे पूरा टाइम ऐसे ऐसे देख ना। चीकू सबने जूस लिया, आपको क्या लेना जल्दी बोलो बेटा, ऐसे थोड़ी फिर सरदर्द हो जाएगा, फिर आप बोलो कि सरदर्द हो गया। जूस बना दूं? फ्लाइट है 2.5 घंटे की, और फ्लाइट में मैं कुछ नहीं खाने दूंगी। बोलो क्या लेना है जल्दी बोलो, जूस बनू। चीकू आपका बहाना था ना वाटर बॉटल का, इसने मुझे बोला मम्मा मुझे प्यास लग रही है दूर से, मैंने बोला ठीक है, तो वाटर बॉटल पूरी पैक पड़ी है और इसने नुटेला खाया है मैंने। और कितना पिए मैं बताती हूँ, हेल्दी हो जाएगा बहुत ज्यादा पता है। 2 साल बाद में फ्लाइट में बैठता है, बहुत मजा आएगा मम्मा। मम्मा फ्लाइट में बहुत मजा आएगा ना? हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, और लंच भी मिलेगा। हाँ आपकी उसमें मील भी है टिकट में। और मम्मा हाँ आपको पता है मेरे फेवरेट क्या सबसे? क्या? कुकी कुकी कुकीज। ओके कुकीज लूंगा मैं तो। ठीक है चीकू कहाँ लेके जा रही हूँ? बेटा वो क्लोज है, चलो लेट हो जाएगा फ्लाइट के लिए, क्लोज है चलो। क्या बोल रहे हो? नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं देख नहीं 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 जाना। तो गाइस यहाँ पे ना तूबा की स्वेटर निकाल दी, क्योंकि ना हमें लगा था बहुत ज्यादा ठंड होगी, बट अभी इतनी ज्यादा ठंड नहीं लग रही। स्वेटर रख लिए बैग में, अगर क्योंकि फ्लाइट में तो एसी तेज होता ही है, तो इसे फ्लाइट में पहना दूंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लाइट में सो जाएगी। ये सोएगी, अब सोएगी, अपनी आंखें रगड़ रही है। चीकू आप भी ना फ्लाइट में पहुंचते सो जाना बेटा, 2.5 घंटे की फ्लाइट है, ताकि आपकी नींद पूरी हो जाए, वहाँ पे आप जो है ना एंजॉय कर सको। ठीक है, और ये बाल कैसे कर दिए? क्यों भाई? एयरपोर्ट के बाद पानी के रास्तों से जाएंगे। हाँ पानी के जहाज से जाएंगे आगे। जहाज में बैठा कभी? पहली बार बैठेगा? मैं तो रोज जहाज में बैठती हूँ, बोट बोट में। हाँ गुड्डू चीकू पूछ रहे
कि ना फ्लाइट से उतर के हम लोग पानी के रास्ते से जाएंगे। हाँ, पानी के रास्ते से, अंदर से नीचे के पानी में। मैंने बोला जहाज में बैठ के जाएंगे। अंडर वाटर जा रहे हैं। अंडर वाटर। और इस बार गोलू मम्मा को ना कोरल तक लेके जाएंगे, नीचे तक। नहीं नहीं, मैं और आप तो गए कोरल तक, गोवा गए थे, गोलू नहीं गई। मैं नहीं जाऊंगी। तो गोलू का ये टास्क है। हाँ, आप भी चलना। यहाँ पे ना तीसरी चौथी बार जो है चीकू के बाल सेट हो रहे हैं, और चीकू के पापा ना परेशान हो गए उसके बाल सेट करते करते। ये ना बार बार बाल खराब कर रहा है। चीकू, अगर बोर्डिंग फास्ट फट गया ना तो आपको फ्लाइट में ही बैठने देंगे। क्या हुआ? बेटा वो यहाँ के होते हैं, अपने होते हैं उनके। हाँ, उसमें ना सारा जो लगेज हमारा जाता है ना फ्लाइट में जो आता है इसी में आता है। पानी के रास्ते से प्लेन चलेगा? पानी के रास्ते से प्लेन थोड़ी चलता है, रोड से चलता है। चीकू पापा कह रहे हैं इतने स्लो चल रहे, जैसे शादी में फेरी लेते दूल्हा दुल्हन। हाँ हाँ हाँ, मंडप में। तो यहाँ पे ना हम लोग घर से कॉटन लेकर आए थे, तू बाकी ईयर्स में कॉटन डालती है यहाँ पर। ये लो मैं बॉल बनाकर देती हूँ, रुको वेट। पायल दे देती हूँ फोन, 5 मिनट की बात है, फिर तो नेटवर्क नहीं है। देखो फोन नहीं दूंगी मैं, सो जा, अपने कान दिखाइयो। तो यहाँ पे ना तूबा के लिए अलग से स्पेशल इन्फेंट वाली सीट बेल्ट आई है, क्योंकि गोलू ने लगाई थी, सिर्फ तूबा के लिए दी थी, तो उन्होंने आके तूबा के लिए इन्फेंट वाली बेल्ट दी है। गोलू की बेल्ट के साथ अटैच हुई है। हाँ। ये पहली बार हमने एक्सपीरियंस किया है। हाँ। क्योंकि चीकू जो था ना वो 3 साल के बाद फ्लाइट में बैठा था, और ये जो है ना ये 5 महीने में बैठ गई है। चीकू, बहन को अलग से सीट बेल्ट मिली है। ये देखो गिरी मेरी, मेरी ठीक है। अभी आपको भूख लग रही है ना, पापा को भी लग रही है, सबको भूख लग रही है। क्या हो गया, क्या हुआ पैर में? हा? क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों पेट में गुदगुदी हो रही है? गुदगुदी हो रही है पैर में? क्या हुआ मुझे ये बता पहले। ये ले अपने कॉटन पैड्स लगा ले। पायल, तूबा को कुछ पता नहीं है कि फ्लाइट में सो रही है, सीधा मुंबई में उठेगी लग रहा है। बाकी वहाँ जाके कुछ भी शोर मचाए हम देख लेंगे, हैंडल हम हैंडल कर लेंगे। क्या हो गया चीकू? तो बंद तो आपको घर पे भी दे देती हूँ मैं। टेस्टी क्या, सेम ही होता है टेस्ट। हाँ, अच्छा तूबा वेलकम। अभी नहीं बताएंगे हम कहाँ हैं, आप एक काम करो, आप बता दो कहाँ आए हो आप। तो पता है मुंबई पहुँचे हैं। चीकू ऐसे गलत बात है ना ये। क्या हुआ? आप फ्लाइट में 2 मिनट भी नहीं सोयो, 2 मिनट भी। तो गाइस फाइनली ना हम लोगों को मिल गया है तूबा के लिए स्ट्रॉलर, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। चीकू अपनी बहन को ना आराम से लेके जाएगा। चीकू स्लो वेरी स्लो चीकू, नो नो। तो गाइस अभी मैं चीकू गए थे जुहू बीच पे, बहुत ही मजा आया, बट ना अभी क्या है इतना एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि हमारे होटल के बैक साइड पे था बीच, तो थोड़ी देरी 5 मिनट थे, और 5 मिनट के अंदर ना इतनी मिट्टी हो गई। मैं दिखाती हूँ, पूरे मेरे पैर मिट्टी मिट्टम हो गए, यहाँ पे मिट्टम मिट्टी हो गई। चीकू हाथ दिखाओ, तेरा नाम तो लिया भी नहीं, हाथ दिखाओ, मिट्टी मिट्टम। चीकू आपके रूम में भी इतना बड़ा टीवी लगवा दूं? हैं, इतने बड़े पे गेम खेलोगे? फिर तो पूरा दिन हम यहीं लगे रहोगे। देखो कितनी बार बोला है, जब भी गेम खेलते हैं ना तो अपने आंखों से बाल हटाते हैं। हम जा रहे हैं चंडीगढ़ भाई, हमारी फ्लाइट अभी की। आप आ जाओगे कल? हैं, अकेले आ जाओगे? बोर्डिंग करनी आती है? फ्लाइट पकड़नी आती है कि नहीं? चीकू का कोई ध्यान नहीं है, ये लड़का देख रहा है कार्टून इतने बड़े टीवी में, सॉरी गेम खेल रहा है। तो गाइस हम लोग अभी घूम रहे हैं मुंबई की सड़कों पे, और यहाँ पी रहे हैं नारियल पानी, और चीकू के पापा कुछ बता रहे थे, वाकई क्या बोल रहे थे? बहुत ही मीठा नारियल है, बहुत ही मीठा। वैसे एक बात बोलूं, दिखने में नारियल ना अलग सा लग रहा है, कच्चा सा लग रहा है। आ रहे बेटे, और आ रहे। पाए तू पिएगी नारियल? नहीं बाबू, तो पायल का ना यहाँ पे ना पान खाने का मन कर रहा है। पायल का ना मतलब पान खाने का काफी टाइम से मन कर रहा है, बहुत दिन से मन कर रहा था, बट ना वो पान ना हमें जीरकपुर में मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं, अगर वो वाला पान यहाँ मिल जाए ना। हाँ जी मैं ले रही हूँ, एक सेकंड बस। तो तूबा अपने फेवरेट टॉय को हमेशा साथ लेके घूमती है, तूबा नीनी कर रही है, और टॉय को इसने इतनी तेज से जकड़ा हुआ है ना, बच्चों की जो जकड़ होती है ना बहुत ही मजबूत होती है। हाँ सॉरी गाइस, पकड़, मेरे ना उल्टे शब्द होते हैं, पकड़ को जकड़, जकड़ को पकड़। ठीक हूँ, व्हाट्स योर रिव्यू अबाउट नारियल पानी, यू लाइक इट, से समथिंग? और पीना तो और मंगा दूं? दे देना उसको। तो गाइस यहाँ पर ना फाइनली ना चीकू भी सो गया है, और हम लोगों का यहाँ पे खाना आ गया, और अभी ना सिंपल खाना मंगवाया, एकदम दाल रोटी, और बहुत ही टेस्टी दाल है, इतनी टेस्टी दाल
बारे में हम बता नहीं सकते, जितनी भी दाल बची है ना ये देखो, ये हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग खा लेंगे। धीरज भैया भी आ गए, धीरज भैया डिनर कर लो, डिनर। हाँ बोलवा ये बात है, हमें सुबह या रात को निकल जाएंगे, पर बच्चों के बिना तो अधूरा अधूरा से लग रहा है यार। ये तो है ही यार, ये भले ही हमने 100 बार कॉल कर लिया है, भले ही हमने सब कुछ पूछ लिया है, पर बच्चों से दूर होना बहुत मुश्किल। पर यार क्या करे, पर काम भी जरूरी है ना। नहीं, काम भी जरूरी था, बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए कमाना भाई हमें, अपने ये तो शौक पूरे करने नहीं, बच्चों के लिए करने। लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं है, लोग इतना कुछ लिखते हैं यार। तुम भी माँ हो, तुम भी बाप हो, देखो ऐसी माएँ भी होती है जिनको एक एक महीने के बच्चे छोड़ के जॉब पर जाना पड़ता है। हमें कहीं जॉब पे तो नहीं जाना पड़ता, पर यहाँ पे जो है हम बहुत ही जरूरी काम के लिए आए थे, और वो काम जो है हमारा हो गया और हम निकल जाएंगे। और कोई भी माँ अपने बच्चे को छोड़ के खुश नहीं होती, तो आप प्लीज कमेंट जो करते हो ना, थोड़ा सोच समझ के करो, ठीक है। अगर हमारे बस की होता हम चार तीनों उन बच्चों को भी लेके आते, लेकिन आपको पता है संभालने वाली हम दो ही हैं, ठीक है। और इसने आज तूफान ने सच में इतना ज्यादा परेशान किया आज, इतना ज्यादा। अब पता नहीं मौसम चेंज की वजह से है, जगह चेंज की वजह से है, वो हमें नहीं पता। लेकिन बस यही कहना चाहूंगी, कमेंट करने से पहले सोचा करो, आप भी माँ होगी अपने बच्चों की, और कोई भी माँ अपने बच्चों को छोड़ के ना खुश नहीं होती है। तो बस ठीक, खुश हो गया, तू बस होगी, इस ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।